मंत्री आज आए हुए हैं, उन्होंने दावा किया है कि जगदलपुर में जैसा नगर सरकार का परिवर्तन हुआ है ऐसे कई संकेत कई जिलों में और मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को डराने का, धमकाने का, प्रलोभन लालच देने का काम कर अपने पाले में काम करे। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का टारगेट अगर रखी है तो डर किस बात का, मैं पूछना चाहता हूं, डर किस बात का? तो क्यों विपक्ष के नेता हो डराने और धमकाने का और लालच देके लाने का प्रयास कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में पूरी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ में पूरी तरह से डरी हुई है। इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी सांसद हम जिता के ले जाएंगे। शराब में 10% की वृद्धि हुई है आज। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ शराब की ही नहीं, आज मोदी सॉरी आज 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। नंबर एक, 10% वृद्धि मतलब सीधा सीधा ये है कि शराब में 150 रुपए का वृद्धि की है, मतलब सीधा छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर शराब में अवैध वसूली का धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम करे। शराब बंदी के नाम से 150 रुपए बढ़ाकर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, रजिस्ट्री शुल्क हमारी सरकार ने 30% कटौती की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के ही दिन उस कटौती को इन्होंने बंद कर दिया, मतलब 30% सीधा सीधा गरीब और मध्यम परिवार के ऊपर बोझ बनने जा रही है। तो इस तरह से आज के ही दिन 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के दिन छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।